बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी। ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, ये देखिए जी, ये तकरीबन जी 10 मिनट्स में बन जाएगा। ये बिल्कुल ईजी सा है, बस एक गेस्ट ने आपको कॉल किया जी हम आ रहे हैं, आपको किसी ने भी कॉल किया जी हम आपके घर आ रहे हैं, और आप फ़ौरन फ़ौरन ये बनाना शुरू करें, जल्दी से बनाएं और फ्रिज में रख दें, चिल करके खाएं और इसकी रेसिपी जो है वो मुझसे पाएं। ठीक है जी, तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए मेरी बिस्किट है मेरे पास, कोई से भी बिस्किट ले सकते हैं आप, कैंडी बिस्किट है, कोई स्वीट बिस्किट जो भी ले सकते हैं। ठीक है जी, उसके लिए बिल्कुल इजी रेसिपी है। ये कॉर्नफ्लोर मैंने डाला है, ठीक है जी, ये मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया। ये मैंने डाला है 3 अदद खाने की चम्मच, पहले मैं ठहर जाए 3 नहीं बल्कि ये मैंने 4 चम्मच डाले, ठीक है, ये वाले 4 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर पर डाले। 1/2 कप इसमें डाल दी मैंने जी चीनी। बिल्कुल सिंपल और ईजी रेसिपीज दूँगी आपको, ताकि आपके, देखें जी मैं खास कर ये बहुत ज़्यादा ख्याल करती हूँ कि बर्तन ज़्यादा मैले ना हो, क्योंकि मेरा अपना भी यही हाल है और बहुत सी खवातीन का यही होता है कि बर्तनों से बड़ी जान जाती है तो बड़ा घबराहट होने लगती है कि ये चीज़ें, तो ये बड़ा मज़ा आता है बनाने में, बट ये कि बर्तन बहुत मैले होते हैं। तो आई होप कि अब आपके बर्तन मैले नहीं होंगे क्योंकि आप मेरी रेसिपी देख रहे होंगे। ठीक है जी, ये देखिए जी मैं 1 पॉट में ज़्यादा सब कुछ बनाती हूँ। ठीक है, ये हो गया ना, अब इसमें हमने डाल लेना है तकरीबन 1/2 kg के करीब मिल्क। ठीक है, तो जी मैं, मुझे गैस है तो फिर आपने इस तरह नहीं डालना कि कोई डब्बा उठाया और डाल दिया, लेकिन मुझे तो अंदाज़ा जी। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, 1/2 kg में चला गया मिल्क। अच्छा, अब जैसे मेरे पास कॉर्नफ्लोर था ना, वो था तकरीबन, अब ये मेरी आदत है ना कि मैं बस जिस चीज़ का दिल चाहता है वो उसी वक्त बनाने लगती हूँ, तो मैंने तकरीबन डाल दिया 3 चम्मच से ज़्यादा ही था मेरे पास कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा मुझे कम लगा तो मैंने 1/2 जो है ना चम्मच वो लेकर डाल दिया इसमें मैंने एक कस्टर्ड पाउडर का, मेरे पास था एक था इसमें स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड, तो मैंने बिल्कुल 1/2 ये स्पून डाला। ठीक है जी, खाने का 1/2 ये जो है था चम्मच, ये मैंने 1/2 चम्मच डाला है इसमें। लाइट सा पिंकी सा टेस्ट कलर आ रहा है, बिल्कुल लाइट, ये देखें आप। ठीक है ना, तो अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर वो है तो आपने 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर ही डालना है, और अगर आप डालना चाहें तो वनीला कस्टर्ड जो होता है जो कलर नहीं होता जिसका, ठीक है ना, फिर वो आप डाल लीजिए। ठीक है, बस ये डालना है मैंने, वेस्ट से करना है और इसको मैंने रखना है फ्लेम, अभी फ्लेम मैंने ऑन नहीं किया। और इसमें कहता है कि मेरे बिस्किट 2 पैकेट थे, कुछ मुझसे बिस्किट टूट गए। ठीक है जी, कोई ऐसी बात नहीं, हमने इसमें असेंबल कर लिया, ये डिश हमारे पास रखी हुई है। अच्छा, और इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें कॉफ़ी चाहिए होती है, तो अब चूँकि है शदीद गर्मी है तो कॉफ़ी मेरे घर नहीं आ रही, तो कोई ऐसी बात नहीं कॉफ़ी नहीं आ रही, तो फिर मेरे घर पड़ा हुआ था माइलो, तो मैंने ले लिया जी 1 बड़ा चम्मच ये माइलो का भर के। ठीक है, और नीम गर्म पानी में मैंने इसको अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर लिया। ये किस लिए किया हमने, कि हमने बिस्किट्स को लेना है, इसमें डिप करना है और हमने इस डिश में लगा देना है। ठीक है ना, तो बस सिर्फ इसलिए ये, तो अभी हम ऐसे करते हैं, पहले तो हम ये जो पुडिंग है ना इसको तैयार करते हैं। ठीक है जी, ये हमने फ्लेम ऑन कर दिया है और अब हम पुडिंग जो है तैयार करेंगे आपके सामने, और ये थिक सी जब हो जाएगी जितनी हमें चाहिए तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, और कॉन्स्टेंटली इसको बिल्कुल हमने, ये देखिए जी, हिलाते रहते हैं। ठीक है ना, वरना गुलटियाँ सी बन जाती, गुलटियाँ या गुठलियाँ क्या कहते हैं, एक तो बस अखबार हम लोग देखें ना कैसे वो रह गए पाकिस्तानी, उर्दू के लफ्ज़ हम भूल जाते हैं, गुलटी सी गुठली कहना चाह रही थी ना तो गुलटी निकल गया। ठीक है जी, कोई ऐसी बात नहीं जी, हम बोल सकते हैं, हम हर लफ्ज़ गलत बोल देते हैं, इंग्लिश को भी हमें गलत बोल देना चाहिए, ये तो उर्दू का वर्ड हमने बोल दिया, तो वह अच्छा जी, गुठलियाँ ना पड़े, लम्स ना पड़े। ठीक है जी, तो इसको अच्छी तरीके से हमने इसी से करना है, और फिर हमने फ्लेम को ऑन रखना है, स्लो उस पर करना है जब तक ये थिक ना हो जाए। अच्छा देखिए जी, अब इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखाना है कि ये इस हद तक थिक हो जाए। ठीक है जी, क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडा होकर भी थिक हो जाए, बस ये इतना थिक हो गया ना, तो हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। ठीक है, ये फ्लेम ऑफ़ कर दिया हमने, अब 1-2 मिनट में बस ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और जब तक हम अपना दूसरा काम करते हैं जी, और दूसरा काम क्या है वो तो हमने आपको बताया हुआ है। ये जो बिस्किट हमने दिए हैं मैरी बिस्किट है, तो बड़ा सिंपल है। देखिए जी, समटाइम ऐसा होता है जब मैं वीडियो डाल रही हूँ तो मेरा ज़ाहिर बात है उसका मुँह कहीं और जा रहा होता है, तो मैं अगर कैमरे में नहीं देख रही होती, मैं अपने काम को देख रही होती तो पता ही नहीं चलता। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं हम, तो ये देखिए जी हमने जो डिप बनाई है, डिप क्या है जी, आपको बताया था हमने कि आप कॉफ़ी ले लें, चाहे आप माइलो है तो माइलो ले लिया हमने। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह पढ़ा हमने, एक एक बिस्किट डिप किया हमने और इसमें रखते जाते हैं, बिल्कुल ईजी सा, आपको पता है कुछ मुश्किल काम ही नहीं है। अच्छा, बिस्किट रख देती हूँ मैं और इसके ऊपर पोर करूँगी अपनी वो पुडिंग जो बनाई है आपके सामने। ठीक है जी, तो बिल्कुल ईजी सी रेसिपी है, देखिए ना जी, तो घर में अगर इस तरह की हम लोग काम कर लिया करें तो बिल्कुल ईजी है। देखें जी, ये देखिए जी, बिल्कुल ईजी, ये तो हर कोई कर लेता है, हर किसी को करना चाहिए। ये देखिए जी,
ठीक है जी। अभी हम इसके ऊपर सारी कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। इस तरह बिस्किट लगाकर आपको भी दिखाते हैं। जब हम इस पर बिस्किट की इस तरह से सारी लेयर लगा लेते हैं तो थोड़ा सा फिर हम उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रेड भी कर देते हैं ताकि और ज़रा सा सोक कर दें तो अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा सा हमने इस पर कर दिया, कोई ज़्यादा नहीं, हल्के हल्के से हर बिस्किट के ऊपर, ताकि ज़रा जी। देखिए जी, अब हमने क्या करना, बिल्कुल सिंपल सिंपल रेसिपीज़ है। अच्छा जी मोहित, वॉल्यूम स्लो करें बेटा। अच्छा जी, देखिए जी, मैं अब आपको बताती हूँ कि हमने बिस्किट कर दिया। इसकी असेंबलिंग बिल्कुल ईजी सी है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने अपनी पुडिंग जो है उसकी लेयरिंग कर देनी है इसके ऊपर। फिर उसी तरह हमने बिस्किट करना, और फिर उसके ऊपर हमने वही कॉफ़ी वाला वो डालना है मिक्सर, और उसके ऊपर हमने फिर क्या करना जी, देखिए ये ऐसे करके होता है। असल में ज़ाहिर बात है, आपको पता है ये पकड़ा हुआ सेल भी तो थोड़ा सा हो जाता है प्रॉब्लम। तो ये देखिए जी, अच्छा जी, ठीक है जी, ये देखिए जी, ऐसे करते हम। ठीक है जी, इसी तरह दोबारा से हम इसके ऊपर लगाएंगे बिस्किट की लेयर, तो दोबारा से ऐसे ही। तो बहुत यम्मी सा, इसको खूब ट्रीट करें। चाहे तो आप इसमें वो चीज़ें ऐड कर लिया करें, अगर आप लोगों के पास नट्स हैं तो नट्स भी डाल सकते हैं, कॉकटेल वगैरह सब कुछ यूज़ कर सकते हैं जी, कुछ भी नहीं होता। ठीक है जी, ये देखिए जी, ये बिस्मिल्लाह हमने पढ़ा अगेन, इसी तरीके से हम चलेंगे। ठीक है जी, तो फिर ऐसा है कि मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा से रखकर। ठीक है जी, सारे मैं इसी तरह रखती हूँ। अच्छा जी, देखिए ज़बरदस्त सा डेजर्ट हमारा तैयार है। देखिए जी, ये तकरीबन 10-15 मिनट में बन गया बिल्कुल जी। और देखिए ऊपर मैंने कैंडी बिस्किट ऐसे खड़े कर दिए। देखिए जी, कितने ज़बरदस्त लुक आ रही है। साइड पे मैंने उसका क्रम्स कर दिया, कैंडी बिस्किट के वो साइड पे डाल दिया, थोड़ा थोड़ा सा मैंने स्प्रेड कर दिया बीच में। कुछ भी वेरिएशन दे सकते हैं, मैंने एक चीज़ बताई है आपको। और इसको खूब चिल करें, चिल करके फिर इसका एक स्लाइस निकालें, कट करें, और ज़बरदस्त सा बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी से। और अगर आप चाहें तो बनाने के दौरान ही जो हम ये इसकी पुडिंग बनाते हैं, इसमें हम लोग क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, मैंने आपको बताया नट्स भी ऐड कर सकते हैं, आप लोग इसमें कॉकटेल भी डाल सकते हैं, मुख्तलिफ फ्रूट्स भी डाल सकते हैं जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो आप पर होता है कि आप जो भी वो डेकोरेशन करना चाहें। तो मेरी रेसिपी को आई होप कि आपको पसंद आए, तो फिर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब मस्ट किया करें, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है आपको पहले मिल जाए जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा देखिए जी, हमारा ज़बरदस्त सा डेजर्ट जो है बिल्कुल तैयार है। ये 15 मिनट में बन गया है देखिए जी। और बिल्कुल इजी सी चीज़ें थी, जो घर में बिस्किट होते हैं, दूध होते हैं, बिल्कुल इजी सी चीज़ों से बन गया है। कस्टर्ड है तो वनीला कस्टर्ड डाल दें आप पुडिंग बनाने के लिए आप, या फिर कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं, या फिर अरारोट भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ईजी सी रेसिपी मैंने दी है, बहुत यम्मी सा ये। ये देखिए जी, मैंने कैंडी बिस्किट्स पे वो लगा दिया, थोड़ा सा डेकोरेशन जो होती है ना वो तो फिर आप पर होती है, आप जो भी मतलब जिस तरीके से भी करना चाहें। तो मैंने बस वो साइड पे, ये देखिए, ये बिस्किट क्रम्स भी डाल दी, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है साइड पे, और थोड़ा सा बिस्किट स्प्रेड कर दिए। इसको खूब चिल करेंगे, चिल करके हम खाएँगे, और इसको स्लाइस के तरीके से निकलेगा। ठीक है जी, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें हमने जो कॉर्नफ्लोर डाला ना वो ठीक हो जाएगा, और केक की तरह इसके हम ये कट करेंगे, कट करके हम स्लाइस निकालेंगे डालेंगे। अभी इसलिए नहीं दिखा रहे जी, मेरे पास आ चुके हैं बच्चे ट्यूशन पढ़ने वाले, और फिर ये मैं रख लूँ जी फ्रिज में, और बच्चे आ चुके हैं पढ़ने वाले, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। हमारे घर बच्चे भी पढ़ने आते हैं ट्यूशन, मैं बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। ठीक है जी, दिखाती हूँ आज आपको। निकालें जल्दी जल्दी बेटा, होमवर्क निकालें, होमवर्क करना शुरू करिए। देखिए जी, पढ़ने वाले बच्चे भी आ चुके हैं, बस इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, और फिर मैं अपनी डिश तैयार करती हूँ। देखा जी, हमारे स्टूडेंट्स भी देख लिया आपने, तो फिर एक औरत को कितने काम करने पड़ते हैं घर में। देखिए जी, ये फरमाइशी प्रोग्राम था तो समझ लिया क्या बनाऊँ क्या ना करूँ। देखिए जी, कॉर्नफ्लोर थोड़ा था तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर डाल दिया। ठीक है जी, कुछ मैरी बिस्किट थे, मैरी बिस्किट क्या कहते हैं, और फिर कुछ थे कैंडी बिस्किट, जो भी मैंने डाल दिए थे। ठीक है जी, तो कुछ भी हम बनाना चाहें, क्रिएशन हम लोग अपनी खुद से कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ बन जाता है। ये देखिए जी, ज़बरदस्त सा ये बन चुका है। तो मेरी रेसिपी को आपको अच्छी लगे तो फिर लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस किया करें ज़रूर, ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आप तक फ़ौरन पहुँच जाया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा देखिए जी, अच्छा सा चील हो गया है, तो हमसे सब्र भी नहीं होता। तो हमने स्लाइस निकाला है ज़बरदस्त सा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हम अपना लेकर आपको बताते हैं, बिस्किट के साथ है, बहुत टेस्टी। ठंडा हो गया तो ज़बरदस्त सा, ये देखिए, ये बिस्किट भी साथ आएगा, केक की तरह हो गया, बहुत टेस्टी, बहुत यूनिक सा, बहुत टेस्टी सा है ये।